दोस्तों, आप लोग संत अच्युतानंद दास जी के बारे में तो जानते ही होंगे। संत अच्युतानंद दास एक ऐसा नाम है जिसे लोग उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों के लिए जानते हैं। उनकी भविष्यवाणियों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने भविष्य को आज से कई सौ साल पहले देख लिया था। माना जाता है उनमें कुछ ऐसी शक्तियाँ थी जिससे वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को एक साथ देख सकते थे। उन्होंने अपनी इन्हीं शक्ति और ज्ञान के बल पर भविष्य मल्लिका नाम की एक बुक लिखी है, जिस बुक में लिखी गई सभी भविष्यवाणियां 100% सच साबित हुई हैं और कुछ भविष्यवाणियों का आगे फ्यूचर में भी सच होना निश्चित है। उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में बताया है कि भगवान कल्कि अवतार कब लेंगे, दुनिया के अंत से पहले क्या स्थिति होगी, भारत का अंतिम राजा कैसा होगा, चीन की स्थिति क्या होगी, भारत और अमेरिका की स्थिति क्या होगी। इन सभी बातों पे उन्होंने बहुत सी भविष्यवाणियां की हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लें। चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय वीडियो को। आज से लगभग 600 साल पहले 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में उड़ीसा में एक महान संत अच्युतानंद दास जी पैदा हुए थे। भविष्यवाणियां करके उन्होंने एक बुक लिखी जिसे अच्युतानंद मल्लिका कहा जाता है, जिसमें उन्होंने बहुत ही सनसनीखेज भविष्यवाणियां की हैं। वो लिखते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग भगवान को भूल जाएंगे और भगवान के भक्तों को लोग परेशान करना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे भगवान के भक्तों की संख्या घटती जाएगी और लोगों में संस्कार खत्म हो जाएंगे। महिला और पुरुष दोनों अश्लीलता में लिप्त हो जाएंगे। पुरुषों का प्रेम संबंध पुरुषों के साथ और महिलाओं का प्रेम संबंध महिलाओं के साथ बनने लगेगा और इस प्रकार के अप्राकृतिक प्रेम संबंधों को हमारा समाज मान्यता भी दे देगा। दोस्तों, सोचने वाली बात तो यह है कि जिस समय यह भविष्यवाणियां की गई थी उस समय भारत में भक्तिकाल का दौर चल रहा था और कोई भी इस प्रकार की बातें सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज के दौर में ये बातें सच साबित होती दिख रही हैं। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में बताया है कि बहुत ही कम उम्र में बच्चे अश्लीलता को अपनाने लगेंगे और बहुत ही कम उम्र में ही बिना शादी के बच्चे भी पैदा होने लगेंगे। इसको हम आज के समय में लिव इन रिलेशनशिप के रूप में देख सकते हैं। आगे वो लिखते हैं कि दुनिया में विचित्र प्रकार की बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी और ये बीमारियां ऐसी होंगी जिनमें ना दवा काम करेगी और ना ही दुआ। इन बीमारियों की वजह से लाखों करोड़ों लोग मौत के मुंह में समा जाएंगे। राजनीतिक भविष्यवाणियों के विषय में उन्होंने कहा है कि चीन और मुसलमान मिलकर भारत पर हमला करेंगे। जब ये भविष्यवाणियां हुई थी उस समय पाकिस्तान नहीं था। हो सकता है चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमला करें और ये युद्ध काफी दिनों तक चलेगा, जिसमें चीन तबाह हो जाएगा और कई भागों में विभक्त हो जाएगा। भविष्य मल्लिका की माने तो एक प्रलय आएगी जिसमें अमेरिका का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब जाएगा, रूस पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। आज के समय में रूस के लोगों का हिंदू धर्म के प्रति झुकाव इस बात को सच साबित करता है। आगे वो लिखते हैं कि भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी और वह एक योगी पुरुष होगा। क्या उनका इशारा नरेंद्र मोदी की ओर है, क्योंकि उनकी भी कोई संतान नहीं है, या फिर वो योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे थे, क्योंकि वो भी एक योगी पुरुष हैं और उनकी भी कोई संतान नहीं है, या फिर उनका इशारा किसी और की तरफ है। भविष्य मल्लिका की माने तो दुनिया अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कल्कि अवतार के बारे में लिखा है कि कल्कि अवतार कहां पैदा होंगे, उनका नाम क्या होगा, वो किस प्रकार अपने भक्तों के साथ जुड़ेंगे, किस तरीके से एक बड़ा युद्ध होगा, उनके माता पिता का नाम क्या होगा और बहुत सारे चिरंजीवी जैसे हनुमान जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य इस युद्ध में हिस्सा लेंगे, कैसे हर गांव, कस्बे और शहर में बहुत कम लोग बचेंगे, इस दुनिया में जब तबाही आएगी तब क्या क्या होगा, झूठ और क्राइम आजीविका के साधन बनेंगे, जब प्रलय आएगा तो आसमान में एक नहीं दो सूर्य दिखाई देंगे, पृथ्वी बहुत भयंकर तरीके से हिलेगी जिसमें गांव शहर सभी तबाह हो जाएंगे, विश्व की जनसंख्या बहुत कम रह जाएगी, समुद्र आगे की ओर बढ़ जाएगा और समुद्र के किनारे बसे शहर जलमग्न हो जाएंगे। दोस्तों, मल्लिका के अनुसार कल्कि अवतार संभल नामक ग्राम में होगा। भगवान कल्कि पब्लिसिटी से दूर रहेंगे, वे जंगल या दूर दराज के इलाकों में अपने अनुयायियों से इंगेज करेंगे, उनके अधिकांश समर्थक भी पब्लिसिटी से दूर रहेंगे और समय आने पर वे भगवान कल्कि की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। भविष्य मल्लिका की माने तो कलयुग के अंत की शुरुआत हो चुकी है और भगवान कल्कि भी जन्म ले चुके हैं। भगवान कल्कि अपनी शक्तियों से इस विश्व में युद्ध की स्थिति पैदा करेंगे। ये युद्ध अच्छे और बुरे लोगों के बीच लड़ा जाएगा। इस युद्ध में लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे। इस युद्ध के बाद विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ रह जाएगी, जिसमें
से 33 करोड़ लोग भारत में रहेंगे और बाकी पूरे विश्व में, यानी भारत में भी लगभग 100 करोड़ लोगों को मरना पड़ेगा। मरने वालों में वो लोग होंगे जो अधर्म के रास्ते पर चलेंगे। इस युद्ध के बाद भगवान कल्कि विश्व का पुनर्निर्माण करेंगे और अगले 1000 वर्षों तक शांति बनी रहेगी। दोस्तों, ये थी अच्युतानंद दास जी की कुछ हैरान करने वाली भविष्यवाणियां। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार वीडियोस लाते रहेंगे।